इन ऑब्जर्वेशन के बेस पर कुछ लॉ बनाए और उन्हें कहा लॉज ऑफ या फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसलिए कहा गया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, मैग्नेट से जनरेट हुई, मैग्नेटिक इफेक्ट से इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट हुआ, इसलिए इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा। लेकिन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने से पहले, इन लॉज को समझने से पहले हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी खास। कौन सी टर्म समझनी पड़ेगी? पहले हमें समझना पड़ेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। हालांकि ये बिल्कुल वही है जैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने समझा था, बिल्कुल वही है जैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने समझा था। क्या कहीं पर आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है, रेड से बना लेता हूं, ये आपका कहीं एक मैग्नेटिक फील्ड है। कैसे प्रोड्यूस करा है इस मैग्नेटिक फील्ड को, इससे हमें कोई मतलब नहीं। कैसे प्रोड्यूस किया, इससे कोई मतलब नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है बस ये। अब यहां कोई एक एरिया, मैं जानबूझकर थोड़ा सा अलग से बना रहा हूं, ये मैंने एक एरिया ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस एरिया से लिंक हो गई हैं, 1, 2, 3, 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया से लिंक हो गई हैं इस टाइम, ये 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाई जाएंगी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस एरिया, बिल्कुल वैसे जैसे कि हमने कर किया था, कौन सा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया को वेक्टर माना जाएगा, और एरिया को वेक्टर लेने के लिए हमने एरिया पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एरिया पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसकी डायरेक्शन बोली जाती है एन कैप, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। और अब देखना है कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में कितना एंगल बना, ये एंगल बना थीटा। एरिया वेक्टर, दिस ग्रीन लाइन इज एरिया वेक्टर, और जो रेड लाइन है दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये दोनों के दोनों लाइन से आपने बना ली। अब कितना होगा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस एरिया फाई बी से हम लिखते हैं, इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, या बी ए कॉस थीटा। थीटा क्या चीज है, थीटा वही है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में बना हुआ एंगल, जिसे हम एन कैप से भी रिप्रेजेंट करते हैं या ए वेक्टर से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। इसकी जो यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, वेबर भी होती है, या इसकी दूसरी होती है टेस्ला पर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। याद कीजिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ टेस्ला है और एरिया के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, या सिंपल हम वेबर भी इसको लिख देते हैं, ठीक है। वन वेबर कितना होगा, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया है, वन वेबर इज इक्वल्स टू बन जाता है आपका 1 टेस्ला पर स्क्वायर मीटर, यानी 1 स्क्वायर मीटर का आपका एरिया और इसमें से 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो, तो हम कहेंगे इस एरिया से लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 1 वेबर। 1 स्क्वायर मीटर का एक एरिया रखा जाए थीटा जीरो पर, किससे, 1 टेस्ला स्ट्रेंथ के मैग्नेटिक फील्ड से, तब हम कहेंगे इस एरिया से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया, 1 वेबर का मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हो गया इसके साथ में, ठीक है। ये तो हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी को कोई कंफ्यूजन है मैग्नेटिक फ्लक्स में, मैग्नेटिक फ्लक्स में किसी को कंफ्यूजन, कोई आगे बढ़े,